ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 517 सौ में सभी भक्तों का स्वागत है हम सभी यहाँ पर 18,000 हजार श्लोकों वाले महापुराण को अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री, श्री, श्री चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि सत्रों का प्रारूप है वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते समय भक्तों के संग हम इस सत्र में आगे बढ़ेंगे वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी ने अभी तक स्कंद 10 अध्याय 36 अध्याय 36 जिसका नाम था वृषभस और अरिष्ट का वध जिसमें हमने श्रवण किया कि नारद मुनि द्वारा भगवान की लीला को गतिमान बनाए रखने के लिए उनकी प्रेरणा से कंस के समक्ष जाकर कृष्ण और बलराम को वसुदेव के पुत्र के रूप में बतलाए जाकर उनको कृष्ण के योजना के तहत प्रतीकात्मक रूप से ऐसा लग रहा है कि कंस योजना बना रहा है पर वास्तव में योजना भगवान की चल रही है कंस द्वारा अक्रूर को भेजे जाने का उपक्रम होगा वृषभासुर अरिष्ट को भेजा जाएगा इसका वध होगा और तत्पश्चात एक और प्रयास में एक तरफ अपने मल्ल योद्धाओं को चाणूर शल तोशल खुंखार, हाथी कवलिया पीण को तैयार कराया जाएगा दूसरी ओर नंद बाबा और अन्य ग्वाल सहित कृष्ण और बलराम को आमंत्रित करने के लिए अक्रूर को वृंदावन भेजा जाएगा कंस के द्वारा और तीसरी तरफ नारद मुनि के कहे गए वचनों से व्याकुल होकर कंस हर क्षण भगवान श्री का और चिंतन कर रहा होगा कि किस प्रकार अपनी मृत्यु से छुटकारा पाया जाए। तो भक्त और अभक्त में ये अंतर हो जाता है भक्त मृत्यु की प्रतीक्षा करता है कि कैसे मृत्यु आएगी और मैं भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करूंगा मृत्यु के पश्चात और अभक्त सोच रहा होता है कि कैसे भगवान से ही शत्रुता मोल ली जाए पर मृत्यु को प्राप्त नहीं किया जाए तो वाशान से जेडानी यथा अर्थ नहीं ज्ञात होने से ये दुविधा रहती है आज के सत्र में हम सभी स्कंद दस अध्याय सैत आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है केशी तथा व्योम असुरों का वध तो अक्रूर जिस सायंकाल में पहुंचने जा रहे हैं वृंदावन मथुरा से वृंदावन उससे पूर्व के समय काल में केशी असुर के वध का का, उल्लेख यहाँ इस अध्याय संख्या सैतीस में शुभदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को बतलाया जाएगा तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे सत्र में अध्याय संख्या 37 के श्रवण के साथ नारायण नमस्कृत नरम चै नरोम देवी सरस्वती व्यासम तयमीर श्रण्वतां स्वकथा कृष्ण पुन्या श्रवण कीर्तन यद्यंतस्तोय भद्राणी विदु नोती सुयत्सता नश्ति प्रायश भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवत् श्लोके भक्ते भवति नश्ति ओम अज्ञानतिमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकाय चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा वन्दे परमानन्दे माधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि कौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे रामा, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरी कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को पुनः सादर प्रणाम सत्र पांच में हम सभी स्कंद दस अध्याय सैतीस आरंभ करने जा रहे हैं जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ अध्याय सात जहाँ केशी तथा व्योमासुर असुर का वध हो रहा है श्री केशी तु कंच प्रहिता खुरेर महिम महा हयो मनोजवा मनोजव सटावधूता ब्रविमान शंकुलं कुर्वन नभोहे शित भी शिता किल तम्त्रासयंतं भगवान स्वगोकुलं तेषितैर्वालविगुणितांबुद आत्मानमाजो मृगयंतमग्रणी रूपाह्यस्व्यनदन मृगेन्द्रवत सुखदेव गोस्वामी ने कहा कंस द्वारा भेजा गया केसी अशुर व्रज में विशाल घोड़े के रूप में प्रकट हुआ मन जैसे तेज वेग से दौड़ते हुए वह अपने खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण करने लगा उसकी गर्दन के बालों से सारे आकाश के बादल तथा देवताओं के विमान तितर बितर हो गए। अपनी भारी हिनेहट से उसने वहां पर उपस्थित सबों को भयभीत बना दिया जब भगवान ने देखा कि यह असुर किस तरह अपनी भयानक हिनेहट से पूरे गोकुल गांव को डरा रहा है और अपनी पूछ से बादलों को हिलाए दे रहा है तो वे केशी से सामना करने आ गए युद्ध के लिए तो केशी कृष्ण को ढूंढ ही रहा था अतः जब भगवान उसके समक्ष खड़े हो गए और उन्होंने उसे पास आने के लिए ललकारा तो उस घोड़े ने सिंह जैसी गर्जना द्वारा उसका उत्तर दिया तो असुर अलग-अलग आकृति -अलग बनाकर आते हैं कहीं सुंदर स्त्री के रूप में आते हैं कहीं छकरे के रूप में आते हैं कहीं तृणावर्त टाइफून जिसे कहते हैं तूफान के रूप में आते हैं कहीं अचगर के रूप में आते हैं कहीं गधे देखा आते हैं, कहीं ग्वाल वाल बन के आते हैं अब यहाँ घोड़ा बन के आए और ऐसा घोड़ा जो सिंह की तरह गर्जना कर रहा है तो वो तो प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण के द्वारा बुलाए जाने की और कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब उद्धार का समय सही है उसे कहा उपलब्ध है श्लोक संख्या तीन में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी सतम निशाम्या विमुखो मखेन खम पिबन द्रवतर्षण जगान पदभ्यालोचनम दुरा सद चंड जव भगवान को अपने सामने खड़ा देखकर केशी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपना मुंह बाए उनकी ओर दौड़ा मानो वह आकाश को निगल जाएगा प्रचंड वेग से दौड़ते हुए उस तथा दुर्धर्ष घोड़ा असुर ने अपने अगले दो पावों से कमल नयन भगवान पर प्रहार करने का प्रयत्न किया तो घोड़े एकदम आगे वाला दोनों पैर उठाकर कृष्ण के ऊपर वो असुर प्रहार करने का प्रयास कर सकता है। दद्वान्चयत्वा तमधोक्ष जोरुषा प्रग्री अदोर्भां परिवेद्य पादयो सावक्य उत्सर्जय धनुष्य यथो रगमताश्च व्यवस्थितो। किंतु दिव्य भगवान ने केशी के प्रहार से अपने को बचा लिया और तब क्रुद्ध होकर अपनी भुजाओं से असुर के पैरों को पकड़कर उसे आकाश में चारों ओर घुमाया और एक सौ धनुष दूरी पर घृणापूर्वक उसी तरह फेंक दिया जिस प्रकार करुण किसी सर्प को फेंक दे तब भगवान कृष्ण वहीं खड़े हो गए तो भगवान एक ही जगह खड़े हैं और असुर यहां उल्लेख है एक सौ अनुष दूरी पर जाकर फेक दिए सलब्ध संज्ञा पुनरुत्थित शीतरसा अप तत्म सोप्य सोप्यस्य वक्त भुजमोत्तर स्मयन प्रवेशयामा पुनः चेतना लौट आने पर केशी क्रोध पूर्वक उठा। उसने अपना पूरा मुख खोल दिया और वह पुनः आकाश पर आक्रमण करने दौड़ा किंतु कृष्ण हसती है और अपनी बाई भुजा उस घोड़े के मुंह में उसी सुगमता से डाल दी जिस तरह कोई सांप भूमि में बने छेद में घुस जाता है तो कथा बड़ी स्पष्ट है सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाते जा रहे हैं दन्तानि पेतु भगवद्भुजस्पृशा तेकेशिनस्तप्तमय स्पर्शो यथा बाहुश्च तदहगतो महात्मनो यथा मयह संवृधे उपेक्षित भगवान के बाहु का स्पर्श होते ही केशी के सारे दांत गिर पड़े क्योंकि उनका बाहु उस असुर को पिघले लोहे के समान गर्म लग रहा था तत्पश्चात केशी के शरीर में भगवान का बाहु अत्यधिक फैल गया जिस तरह उपेक्षा करने से जलोदर रोग बढ़ जाता है सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को जो वर्णन कर रहे हैं उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी यहाँ भगवान की बाहु को लेकर भगवान के बाहु कर कमल भगवान के शरीर का प्रत्येक अंग कमल के तुलना के समान है भक्तों के लिए अत्यधिक कोमल पर अभक्तों के लिए वज्र के समान है उतना ही कठोर और उतना गर्म प्रतीत हुआ वज्र की बनी हुई बाहु लगी जिससे केशी के शरीर में अत्यधिक ज्वलनशीलता उत्पन्न हो गई समेध माने न सकृष्ण बाहुना निरोधवायु चरण विक्षिपन प्रस्वात्र परिवृत्तलोचना पपातलिंदम विसृजन क्षितव्यसु जो ही कृष्ण की फैलती भुजा ने केशी के श्वास को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया वह अपने पैर पटकने लगा उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उसकी आंखें उलट गई तब उस असुर ने मल त्याग दिया और भूमि पर गिरकर निष्प्राण हो गया तदेह तक कटिका फलोपमा व्यसो अपाकृष्य भुज महाभुज अविस्मित यारिक सुरे प्रसून वर्षे वर्षापित इदित महाबाहु कृष्ण ने अपनी बाह केशी के उस शरीर से निकाल ली जो अभी एक लंबी ककड़ी जैसा प्रतीत हो रहा था अपने शत्रु को बिना प्रयास के ही मारने के बाद किसी प्रकार का गर्व दिखलाए बिना भगवान ने ऊपर से फूलों की वर्षा के रूप में की गई देवताओं की पूजा स्वीकार की भगवान बड़े-बड़े अभिमानियों के मान का मर्दन करने वाले हैं पर स्वयं इतने अबोध इतने निर्दोष, निश्चल प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो जिस असुर के शरीर के बाल से देवताओं के विमान इधर उधर होने लगे हमने आरंभ में श्रवण किया श्लोक के बिल्कुल आरंभ में अध्याय के वो असुर को इस प्रकार मारने के पश्चात बिना किसी अभिमान के सरलतम रूप में भगवान प्रस्तुत हो रहे हैं देवता उनके इस कृत्य की सराहना करते हुए पुष्प वर्षा करते हैं पर भगवान इससे बिल्कुल अपने आप को हैं भागवत प्रवरो नृप कृष्णम अक्लिष्ट कर्माणम रहस्य त हे राजन तत्पश्चात देवर्षि नारद भगवान कृष्ण के पास एकांत स्थान में गए इन महाभागवत ने बिना किसी प्रयास के लीला करने वाले भगवान से इस प्रकार कहा तो अब देवर्षि नारद और भगवान यहाँ पर मिलते हैं और जैसा कि हमने पिछले सत्र में भी श्रवण किया था कंस से कौन सी वार्ता अब जाकर कहनी है भगवान के द्वारा उनको इंगित किया गया है तो भगवान की वृंदावन लीलाएं समाप्त प्राय है यहाँ पर और नारद मथुरा में होने वाली लीलाओं को प्रस्तुत कराने के लिए माध्यम बनते हैं ताकि भगवान की आगे की जो धरती पर अवतरित होकर शरीर धारण कर इस प्रकार लीला करने की गतिविधि है वो संचालित हो सके कृष्ण कृष्ण अप्रेय योग ईश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास साता प्रवर प्रभो त्वमात्मा इव ज्योतिवेधस गूढ़ो गुहाशय साक्षी महापुरश्वर नारद मनी ने कहा हे कृष्ण हे कृष्ण हे अनंत प्रभु हे समस्त योग शक्तियों के स्त्रोत हे ब्रह्मांड के स्वामी हे समस्त जीवों के आश्रय तथा यदु श्रेष्ठ वासुदेव हे प्रभु आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं और हृदय की गुफा में उसी तरह अदृश्य होकर बैठे हैं जिस तरह सुलगती हुई लकड़ी के भीतर अग्नि सुप्त रहती है आप सबों के भीतर साक्षी स्वरूप परम पुरुष तथा सर्व नियंता देव है नारद मुनि द्वारा सुंदर स्तुति वचन यहाँ पर कहे गए हैं भगवान को और उसके पश्चात श्लोक संख्या बारह में कहते हैं एक एक शब्द विशेषण यहाँ पर वास्तव में भगवान की महत्ता को परिभाषित कर रहे हैं आत्मना आत्मा आश्रय पूर्वम माया या गुणान तैहृद सत्य संकल्प सृजसी अच्छी, अच्छी अवशीश्वर आप समस्त जीवों के आश्रय हैं और परम नियंता होने के कारण अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं अपनी निजी सृजन शक्ति से आपने प्रारंभ में प्रकृति के आदि गुणों को प्रकट किया और आप उन्हीं के माध्यम से इस ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा विनाश करते तो इस प्रकार से सृजन, पालन और विनाश सृष्टि की पूरी प्रक्रिया को अपने सुंदर शब्दों में समाहित करने वाले नारद मुनि भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं स्वत्म भूधर भूता नाम दैत्य प्रमथ रक्षसा मानने वाले दैत्यों प्रमथो तथा राक्षसों का विनाश करने के लिए तथा संत पुरुषों की रक्षा करने के लिए अब इस धरा पर अवतीर्ण हुए तो विचार करने की बात है यहाँ पर जब भागवतम के आरंभिक स्कंधों में अध्यायों में कहा जाता है कि भगवान अपनी इच्छा से सृष्टि की रचना करते हैं और उसको समेट लेते हैं जब नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि पिछले कल्प में वो इस प्रकार से दासी पुत्र थे और फिर सृष्टि के संहार के साथ भगवान के गर्भ में प्रवेश करते हैं और फिर वहां से सृष्टि के पुनः सृजन में भगवान द्वारा प्रदत्त वीड़ा को धारण करके वो भगवान के पार्षद बनते हैं वो नारद मुनि भगवान के साथ कितनी गंभीर जानकारियों के साथ विनीत सेवक के रूप में प्रस्तुत है कि कहते हैं राक्षसों का विनाश अपने को स्वघोषित प्रभुता संपन्न राजा मानने वाले दैत्य और अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर करने वाले संत पुरुष जो जिस भाव से आपके साथ संबंध रखता है आप उसको वैसी कृपा प्रदान करते हैं जो आपसे शत्रुता रखता है आप उसे शत्रुहंता के रूप में अपना दर्शन कराते हैं जो आपको भक्त वत्सल समझते हैं आप उनको अपने कृपा स्वरूप का दर्शन कराते हैं हे भगवन आप अपने इन विभिन्न कृत्यों को करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए दृष्टिया निहतो दैत्यो लीलया हयाकृत ये संत्रस्ता त्यजंती अनिमिषा दिव यह घोड़े की आकृति वाला असुर इतना आतंक मचाए हुए था कि उसके हिनहिनाहट से देवताओं ने भयभीत होकर अपने स्वर्ग के राज्य को छोड़ दिया था किंतु हमारे सौभाग्य से आपने खेल खेल में ही उसे मार डाला है वास्तव में जब जब ये स्वर्ग के देवताओं ने अपना राज्य छोड़ दिया था उल्लेख आता है तब तब हमें ये स्मरण रखना चाहिए ये स्मरण कराने के लिए ही होता है कि स्वर्ग लोक अपने आप में कितना अनित्य है जैसे इस धराधाम पर अनित्यता है वैसे ही इस भौतिक जगत के चौदह भुवनों में भी अपने अपने स्तर की अनित्यता है नित्यता केवल भगवान के श्री में थोड़ा कहीं किसी हमें वर्तमान में कलयुग में ये अधिकार नहीं है इतना प्रभुत्व नहीं है का अन्यथा अन्य युगों में उल्लेख आता है कि मनुष्य लोक और देवलोक में गमन प्रत्यागमन होता था देवता धरती पर आते थे और धरती से देव धरती से मनुष्य कई बार इंद्र की सभा में सीर वहाँ विराजित भी रहते थे देवता मनुष्यों को पुरस्कृत करते थे दैत्यों के साथ संग्राम में उनका सहयोग करने के लिए देवताओं का सहयोग जो मनुष्य करते थे राजा उनको उस प्रकार की का पारितोषिक भी दिया जाता था तो इसलिए जब जीवन के कर्मों सुकृतियों पुण्यों के परिणाम स्वरूप हम किसी इच्छा की कामना की अभिलाषा की पूर्ति की याचना करें तो वो केवल और केवल ऐसे लोक में जाने क्यों नहीं चाहिए जहां से पुनः आगमन ना हो तीन तरह के ताप चार प्रकार के कष्ट जितने मनुष्यों को इस धराधाम पर हैं उतने ही कम या अधिक परिमाण में अन्य लोकों में भी उपस्थित हैं तो समय-समय पर देवता भी भयभीत होकर अपने राज्य को छोड़ते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार कहीं ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं कहीं शिव जी की शरण में जाते हैं सब इकट्ठे होकर भगवान को स्मरण करते हैं और अंततः भगवान अवतीर्ण होकर देवताओं को उनके संकट से मुक्त कराते हैं चाड़ुरम मुस्टिक मल्ला अन्य हस्तिनम कंसम च निहतम दृक्षे अहनिते विभो तस्यानु यवनम उराणां नरकस्य च परिजातापहरणम् इन्द्रस्य च पराजयम् उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणं मृगस्य मोक्षणं शापात् अदद्वाकायां जगत्पते गद्पति स्यमन्तकस्य च मणिरान् दानं सह भार्यया मृतपुत्र प्रधान ब्राह्मण से धामत पौंड्रकशीपुरिया दीपन दतवक्र सेधन चैद्य च महाकृत यानी चा वीरिया द्वारकाम संभव कर्ता द्रक्षाम्य हम तीन हे सर्व शक्तिमान तो दिनों तो दिनो में मैं आपके हाथों छाणूर मुष्टिक तथा अन्य पहलवानों के साथ साथ कोलिया पीर तथा राजा कंस की भी मृत्यु होते देखूंगा इसके बाद मैं काल यवन मुर नरक तथा शंख असुर जाते देखूंगा मैं आपको पारिजात पुष्प चुराते और इंद्र को पराजित करते देखूंगा तत्पश्चात अपने पराक्रम से मूल्य चुकाते हुए वीर राजाओं की अनेक कन्याओं के साथ आपको विवाह करते देखूंगा तब हे ब्रह्मांड पति आप द्वारका में राजा नृग का शाप से उद्धार करेंगे और एक अन्य पत्नी के साथ साथ अपने लिए श्यमन तक मणि भी लेंगे आप ब्राह्मण के मृत पुत्र को अपने दास यमराज के धाम से वापस लाएंगे और उसके बाद आप पौंड्रक का वध करेंगे तथा काशी नगरी को जला देंगे और राजसूर्य यज्ञ के समय दंतवक्र तथा चेदी राज का संहार करेंगे मैं इन सब वीरतापूर्ण लीलाओं को तो देखूंगा ही साथ ही द्वारका में अपने में आप जो अन्य अनेक लीलाएं करेंगे उन्हें भी देखूंगा ये सारी लीलाएं दिव्य कवियों के गीतों में इस धरा पर गाई जाती हैं आचार्य यहाँ पर बहुत ही मनोहारी टिप्पणी करते हैं कृष्ण पुस्तक में भी शिल स्थान पर मंतव्य में कहते हैं कि वास्तव में नारद एक प्रकार से कैटलिस्ट का उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण व्रज की लीलाओं में इतने निमग्न दिखते हैं कि नारद मुनि कहते हैं भगवान अभी आगे का भी मार्ग है तो कहीं तो भगवान भक्त को प्रेरणा देते हैं यहाँ भक्त अप्रत्यक्ष रूप से इस लीला का भाग बनते हुए भगवान को स्मरण करा रहे हैं भगवान अभी वृंदावन से बाहर निकलने का समय है आ गया है कहीं मथुरा में कहीं द्वारका में कहीं हस्तिनापुर में कहीं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर कहीं अनेकानेक राजाओं के साथ युद्ध स्थली में आपको अभी बहुत सारे कृत्य करने हैं तो नारद मुनि क्रमबद्ध तरीके से वो पूरी श्रृंखला बता रहे हैं कि भगवान अभी अक्रूर पहुंचने वाले हैं और ब्रजवासियों का अतीब स्नेह आपको वृंदावन की सीमा पार नहीं करने देगा तो आपको अपने आप को दृढ़वत रखकर क्योंकि भगवान भक्तों के भाव में अत्यधिक विह्वल हो जाते हैं ये सभी कार्य संपादित करने हैं भगवान इतना ही नहीं आगे श्लोक संख्या 21 में कह रहे हैं अथते काल रूप से छपी शोण नाम निधनम द्रक्षामी अर्जुन तत्पश्चात में आपको साक्षात काल के रूप में प्रकट होते अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते तथा धरती का भार उतारने के लिए सैनिकों की समस्त सेनाओं का विनाश करते हुए देखूंगा शुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्था समाप्त सर्वातमोगवाज सावृत्त मया गुण प्रवाह तमीमहि हे भगवान हमें अपनी शरण में आने दे आप शुद्ध आध्यात्मिक से परिपूर्ण हैं और अपने मूल स्वरूप में सदैव स्थिर रहते हैं। क्योंकि आपकी इक्षा को कभी नकारा नहीं जा सकता आपने पहले ही वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप माया के गुण प्रवाह से सतत पृथक रहते हैं इन सारे कृत्यों को सुनाने वाले नारद मुनि कहते हैं कि भगवान ऐसा न लगे कि सामान्य जनमानस कहीं भ्रमित हो जाए कि भगवान इस प्रकार भौतिक जगत में अपनी योजनाएं बनाकर संचालित कर रहे हैं उन्हें ज्ञात रहना चाहिए कि आप भौतिक गुण माया के प्रवाह से सतत पृथक हैं। आपके द्वारा हर क्षण यहाँ तक कि आपका ये शरीर भी शुद्ध आध्यात्मिक भिज्ञता से पूर्ण है शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान जानकारी से पूर्ण भगवान का शरीर दिव्य है जिस प्रकार मछलियों के और अन्य जलचर प्राणियों के पास ऐसा शरीर है कि वो चौबीस घंटे पानी में रह सकते हैं सूर्य लोक में रहने वाले जीव सदैव अग्नि की लप, निकलती हुई लपट ज्वाला से युक्त शरीर के साथ रहते हैं मनुष्य अपने आप को इस पूरे इकोसिस्टम में जिसे जहां धरती जल आकाश तीनों का समुच्चय है वहां जीवित रहता है भगवान का जो शरीर है वो सचित आनंद इन तीन तत्वों से संयोजित है जिन्हें तत्व दर्शन सांख्य के अनुसार समझते है इसलिए भगवान का जो स्वरूप है वो शुद्ध है और आध्यात्मिक शक्ति के किसी भी तत्व से इतर स्पर्श नहीं होता तो कहने का आशय है कि भगवान किसी भी भौतिक प्रभाव से पूर्णतया पृथक और मुक्त है

आपने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की असीम विशिष्ट व्यवस्था की रचना की है अब आप यदुओं, वृष्टियों तथा सात्वतों के बीच वीर के बीच रूप में प्रकट हुए हैं और आपने मानवीय युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया है विषुखदेव गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में नारद मुनि का यहाँ पर प्रवेश एकांत में हुआ है भगवान को कहीं भक्तों के भाव में निमग्न होकर इन सभी योजनाओं को संचालित करने में तनिक प्रतीक्षा तनिक विलंब न हो जाए अन्यों को प्रतीक्षा न करनी पड़ जाए क्योंकि नारद मुनि के रूप में जो वास्तव में भगवान के शक्त्यावेश अवतार भी कहे जाते हैं नारद मुनि के रूप में भगवान के भक्त उपस्थित होकर उनकी भाव विवलता को जानते हैं नारद मुनि भगवान के द्वारा भविष्य काल में क्या संचालित होने वाला है उसको भी जानते हैं तो जैसे रुक्मिणी का प्रसंग आएगा कि सुदामा के दिए गए चावल के एक एक कौर में वो एक एक लोक न्योक्षावर कर रहे थे और रुक्मिणी ने हाथ रोक लिया क्योंकि भगवान इतने भक्तवत्सल है वैसे ही नारद मुनि को अनुभव हो रहा है कि भगवान के लिए ब्रजमंडल के बाहर निकलकर उन्हीं के द्वारा रचित सृजित और आयोजित घटनाओं को निर्वहन करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी तो नारद मुनि उन्हें स्मरण करा रहे हैं कि भगवान रजमंडल के बाहर भी बहुत सी घटनाएं, बहुत से जीवात्माएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो योजनाएं आगे बढ़ेंगी और इसलिए यहाँ पर ये एकांत संवाद हुआ है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या चौबीस में श्री शु कुपतिम कृष्णम भागवत प्रवरो मुनि प्रणीपत्याभ्यु तो यो तदर्शनोत्सव सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार यदुवंश के प्रधान भगवान कृष्ण को संबोधित करने के बाद नारद ने झुककर सादर प्रणाम किया तत्पश्चात उस मुनियों में महान तथा भक्तों में विख्यात नारद ने भगवान से विदा ली और उनका साक्षात दर्शन करने से उत्पन्न परम हर्ष का अनुभव करते हुए चले गए कृष्ण पुस्तक में वो कहते हैं शिल प्रभुपाद वहां पर कि इस संक्षिप्त वार्ता में भविष्य की घटनाओं का भक्तों को संकेत देते हुए ताकि उनके जीवन का अवलंबन रहे कि कृष्ण वास्तव में कितनी घटनाओं के समूह को जोड़कर उत्पन्न हुए हैं और तब भी हमारे बीच कितने निश्चल भाव से रहते हैं भगवान अपनी प्रभुता और महत्ता हमें जीवन में कष्ट देकर नहीं अनुभव कराते एक बुद्धिमान भक्त अपने जीवन के आरोह अवरोह के द्वारा भगवान की उपस्थिति नहीं पाता अपितु तो उनकी कृपा के द्वारा उनकी उपस्थिति अनुभव करता है तो नारद मुनि भक्तों को उस कृपा का स्वरूप दिखा रहे हैं उसके पश्चात भगवान अपी गोविंदो पाले प्रीते व्रज सुखाव युद्ध में असुर केशी को मार डालने के बाद भगवान कृष्ण अपने प्रमुदित ग्वाल मित्रों के साथ गौमो तथा अन्य पशुओं को चराते रहे इस तरह उन्होंने वृंदावन के समस्त वासियों को हर्ष उल्लास पहुंचाया तो केशी सुबह सुबह आता है, रात को आता है केशी सुबह आता है उसके पश्चात भगवान अपना पशु चारण का कार्य पशुओं को चलाने का कार्य कर रहे हैं ग्वाल बाल सभी आनंद मग्न है एक दाते पशुन पलाश चक्रु या चोरे पाला एक दिन पर्वत की ढलानों पर अपने पशु चराते हुए ग्वाल बालों ने आपस में प्रतिद्वंदी चोरों तथा तो मवेशी पालकों का अभिनय करते हुए लुका छिपी का खेल खेला तो जो लिटिल कृष्णा है कार्टून यूट्यूब पर जो उपलब्ध है उसमें इस प्रकार से दिखाया जाता है कि भगवान विभिन्न प्रकार के आधार पर बनाई गई लीला है जिस कार्टून की, की घटनाएं अमित छाप के रूप में मस्तिष्क में अंकित हो जाती है उल्लेख हमारे विद्वत आचार्यों का ही है विस्तार में वहां पर बताया गया है कि भगवान विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे उसमें उनके ही ग्वाल बालों के समूह में दो दल विभक्त हो गए तीन दल विभक्त हो गए वास्तव में एक दल जो चरने वाले पशु मवेशी बनते हैं वो बन गए जैसे मधुमंगल को बताया गया उसमें कि वो घास खाने लगा व्रज की घास इतनी मुलायम तो वो मवेशी बन गए तो एक समूह गडेरियों का समूह बन गया जो उनको चरागाह से निकालकर जंगल में चरा रहा है और एक प्रतिद्वंदी चोरों का समूह बन गया। तो कुछ मवेशी बन गए कुछ गडरिये चला, चला, चलाने वाले और कुछ चोर बन गए तो जब मवेशी पालक अपने अपने मवेशियों को लेकर जा रहे हैं तो किंचित ध्यान भंजन होने से चोर उनको उन मवेशियों को चुरा कर ले जा रहे हैं इस प्रकार ये लुका छिपी का खेल चल रहा था बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण राजा बनते हैं जो इन चुराने और चराने के बीच के हुए द्वंद में सुलझाने का कार्य करेंगे और बलराम जी वहां पर साक्षी बनकर निर्णय करने कराने का सहयोग करेंगे तो इस प्रकार ये खेल चल रहा है जिसका उल्लेख आता है तत्रा संकचित कचित चोरा पालाश्च कचि चिन्प तत्र सन कतिचि चोरा पालाश कतिचि नृप मेषाता चैके अकुत भया हे राजन उस खेल में कुछ ग्वाले चोर बने कुछ गडरिये तथा अन्य भेड़ बने वे किसी संकट के भय के बिना सुख चैन से अपना खेल खेल रहे थे तो खेल का जो की प्रस्तावना थी वो मैंने यहाँ स्पष्ट की है मय पुत्र महामायो व्योमो गोपाल नोवा प्राय बहुन तब, तब व्योम नामक एक शक्तिशाली जादूगर जो असुर मय का पुत्र था एक ग्वाल बाल के वेश में वहां प्रकट हुआ वह चोर के रूप में खेल में सम्मिलित होने का बहाना करते हुए भेड़ बनने वाले अधिकांश ग्वाल बालों को चुराने के लिए आगे बढ़ा तो चोरों का एक समूह था जिसका कार्य था कि वो उन भेड़ों को चुराएंगे उनके मालिकों की ध्यान विकर्षित होने की प्रक्रिया में जब उनका ध्यान नहीं रहेगा तब पर वास्तव में यहाँ मैं असुर का पुत्र व्योमासुर वो गडरिये का वेश बनाकर पहले तो प्रवेश कर जाता है और फिर चोर की भांति कुछ ग्वाल बालों को भेड़ों को चुरा ले जाता है थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ को उठाता है चुराता है और ले जाकर एक गुफा में छुपा देता है उसको बताया गया है गिरि गिरिधर्याम विनिक्षिप्य नीतम नीतम महासुरा शीलया चतु चतुपंचिता उस महाअसुर ने धीरे धीरे अधिकाधिक ग्वालों का अपहरण कर लिया और उन्हें एक पर्वत गुफा में ले जाकर फेंक दिया तथा उसके द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया अंत में केवल चार पांच बालक बचे जो खेल में भेड़ बने हुए थे तो उतनी सारी के समूह में से सिर्फ कुछ एक भेड़े बची। अर्थात कुछ एक बाल बचे बाकी सब जो बचे हुए थे बने हुए थे उनको व्यमा ने उठाकर दूर पर्वत की एक गुफा में डालकर द्वार बंद करके इस प्रकार छुपा दिया कृष्ण के सामने अब कौतूहल होने जा रहा था तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण शरण समस्त संत भक्तों को शरण देने वाले भगवान कृष्ण अच्छी तरह जान गए कि व्योमासुर क्या कर रहा है जिस तरह कोई सिंह भेड़िये को दबोच लेता है उसी तरह कृष्ण ने उस असुर को जब वह अन्य ग्वाल बालों को लिए जा रहा था बलपूर्वकोचा रूप आस्था गिरिंद्र सदृश वह असुर अपने मूल रूप में परिणत होकर विशाल पर्वत के समान बड़ा तथा बली बन गया किंतु वह कठोर प्रयास के बावजूद अपने को छुड़ा न पाया क्योंकि भगवान की मजबूत पकड़ में होने से वह अपनी शक्ति खो चुका था तो पहचान लिया जाता है भगवान उसको अब दंड देने के लिए उद्यत है। और विशाल पर्वत के समान बड़ा और बली था तो भगवान कितने कोमल और करुणावान लगते हैं पर भक्तों का नुकसान करने वाले भक्तों का हित करने वालों के लिए वो वज्र के समान कठोर हो जाते हैं कैसे उन्होंने व्योमासुर को पकड़ा तमनि पश्यताम दिवी देवा पशु मार अमार भगवान अच्युत ने व्योमासुर को अपनी बाहों के बीच में जकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया तब स्वर्ग से देवताओं के देखते देखते कृष्ण ने उसी तरह उसे मार डाला जिस तरह कोई बलि पशु का करता है। तो व्यमासुर स्वयं अपना उद्धार करवाने के लिए आए थे आचार्य गण बताते हैं कि कला घोट कर इस प्रकार उन्होंने व्यमासुर का संहार कर दिया इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या तैतीस जहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं गुहा पिधानम निर्भित तत्पश्चात कृष्ण ने गुफा के दरवाजे को अवरुद्ध करके शिलाखंड को करने वाले शिलाखंड को चूर चूर कर दिया और बंदी बनाए जाने वाले ग्वाल बालों को भी सुरक्षित स्थान पर ले आए इसके बाद देवताओं तथा ग्वालों द्वारा उनका यशोगान होने लगा और वे अपने ग्वाल ग्राम गोकुल लौट गए जी 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 थ्री जी ग्वाल ग्राम गोकुल लौट गए तो इस प्रकार यहाँ पर व्योमाशुल का उद्धार हो रहा है भगवान के लिए ये सभी लीलाएं उनकी भ्रिकुटी की गति मात्र से संचालित हो सकती है उनकी इच्छा शक्ति से संचालित हो सकती है पर भक्तों के जीवन में आनंद बनाए रखने के लिए भगवान के इन ओजता वीरता पूर्ण कार्यों को स्मरण करके निशंक निर्भय बने रहने के लिए भगवान इनको आयोजित करते हैं तो श्रीमद भागवतम के दसवें स्कंद के अंतर्गत केशी तथा व्योमासुर असुरों वध नामक सैतीसवें अध्याय के श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत को द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं यह अध्याय समाप्त हो रहा है अध्याय अड़तीस में ईश्वर की कृपा से अगले सत्र में हम सभी वृंदावन में अक्रूर का आगमन इसे तिरालीस श्लोक है और उसके माध्यम से श्रवण करने का प्रयास करेंगे आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं शील प्रपाद की जय शिल गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय श्रीमद भागवत महापुराण की जय हरे कृष्ण